फटाक देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए सक ऐप। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ वैशाली। बाहरी दिल्ली के नांगलोई में दिल्ली सरकार की एक स्कूली छात्रा क्लासरूम का पंखा उसके सर पर गिरने से वो घायल हो गई है। ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और यूएई के अखबार खलीज टाइम्स में पिछले दिनों दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तारीफ में छपे लेख का मुद्दा गरमाया हुआ है। अब सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता रही है तो वहीं बीजेपी इसे पेड न्यूज बताती आ रही है। वहीं ये मामला अब आपको बता दें कि और तूल पकड़ चुका है और इसमें सरकार पर शिक्षा में घोटाले का भी आरोप लगाया जा रहा है। इस मामले में मनोज तिवारी और शहजाद पूनावाला ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा मनोज तिवारी और शहजाद पूनावाला ने, चलिए आपको एक बार सुनवा देते हैं। कि दिल्ली की स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची के ऊपर चलता हुआ पंखा गिर गया। नांगलोई की वो बच्ची इस समय अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रही है। अभी भी उसकी स्थिति चिंताजनक है। ठीक 2 मिनट पहले भी मेरी वहां उपस्थित लोगों से बात हुई है, लेकिन सवाल उठता है कि ये पंखा गिर क्यों जाता है, ये गिरने का सिलसिला ऐसा क्यों चल रहा है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल गैंग का चरित्र तो गिर ही रहा है, बच्चों के ऊपर पंखे गिर रहे हैं। अभी तो किसी दिन ये भी समाचार आ सकता है कि स्कूल का आधा हिस्सा ही गिर गया। मैं बस इसमें एक ही चीज जोड़ना चाहता हूं, ये उस बेटी की तस्वीर है, ये बेटी है जिसके ऊपर वो पंखा गिरा है, जिसके बारे में अभी आदरणीय मनोज जी जिक्र कर रहे थे। अभी तो उन स्कूल में जाना खतरे से कम नहीं है, खतरों के खिलाड़ी है तो दिल्ली की सरकारी स्कूल के कमरे में घुसिएगा, क्योंकि ये सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर पूरे के पूरे करप्शन के सीमेंट से बनाया गया है। इसीलिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 5 लाख से बढ़कर 33 लाख, और देखिए कितना भद्दा मजाक किया जाता है। टॉयलेट को क्लासरूम बताते हैं, हम इनसे पूछते थे डिबेट में, बार बार डिबेट में हम पूछते थे हरीश भाई मैं, कि 500 नए स्कूल का था वादा, 850 ठेके तो आपने खुलवाने का प्लान बनवा दिया, जरा ये बताइए कि स्कूल कहाँ है, कहाँ है ये स्कूल जहां पर प्रिंसिपल है, ग्राउंड है, साइंस कॉमर्स सिखाते हैं, जहां पर ईडब्ल्यूएस को सीट देते हैं, कहाँ है ये स्कूल जहां पर 40,000 से ज्यादा टीचर के पोजीशन वेकेंट है, 22,000 गेस्ट टीचर नहीं है, कहाँ है ये स्कूल, दिखाइए तो, एक तो स्कूल दिखाइए। बता दें कि घटना शनिवार की है, घायल छात्रा को नांगलोई के एक निजी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और घटना के बारे में छात्रा ने बताते हुए कहा और आरोप भी लगाया कि छत में नमी थी और वह टपक रही थी, जिसके बाद वो पंखा उसके ऊपर गिर गया। आपको बता दें दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय ने सोमवार 29 अगस्त को चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखकर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एजुकेशन पर बजट में वृद्धि के बावजूद 2014 और 15 से नामांकन में गिरावट और बच्चों की उपस्थिति कम होने को लेकर जवाब मांगा है। यह पत्र उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम के निर्माण पर CVC की रिपोर्ट पर आप सरकार की ओर से कार्रवाई में देरी का सवाल उठाने के कुछ दिनों के बाद लिखा गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, लेकिन ये खबर कहीं ना कहीं आप सरकार जो कि दुनिया भर में अपने सरकारी स्कूलों का डंका बजाती है उन पर उन्हें सवालों के घेरे में जरूर घेर रही है। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही, लेकिन दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे दिल्ली तक।